नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका टेक्निकल सारांश। आप देख रहे हैं टेक्नीशियन इम्पॉसिबल सारांश। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप YouTube पे पहले से हैं और टेक में रुचि रखते हैं तो टेक्निकल गुरुजी का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, टेक्निकल गुरुजी AKA गौरव चौधरी, जो राजस्थान में पले बड़े और दुबई में सेटल हो चुके हैं, इंडिया के नंबर वन टेक यूट्यूबर टेक्निकल गुरुजी। जी हाँ, चलिए उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, टेक्निकल गुरुजी चैनल पे हमेशा टेक रिलेटेड वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और अनबॉक्सिंग वीडियोस आती रहती हैं। तो हाल ही में, जैसे कि आपको पता है कि टेक्निकल गुरुजी ने Xiaomi Redmi Note 7 का अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था। अनबॉक्सिंग वीडियो तो बहुत ही बढ़िया बनाया था, लेकिन उसमें एक बेंड टेस्ट को भी इंक्लूड किया था। तो ये बेंड टेस्ट होता क्या है? बेंड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें एक स्मार्टफोन को लेकर बेंड करके देखा जाता है, कोशिश किया जाता है बेंड करने का, पूरा जोर लगा के नहीं, बस कोशिश किया जाता है। अगर बेंड होता है तो वो बेंड टेस्ट को फेल करता है। जो स्मार्टफोन इसे पास करते हैं उन्हें रगेड फोन का एक टाइटल मिलता है। जेडी रिक्स का चैनल आप देख सकते हैं, उनका चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो बनाते हैं ऐसा बेंड टेस्ट। तो हम वहां की ओर नहीं जाएंगे, हम टॉपिक को ही स्टिक करके रहेंगे। तो टेक्निकल गुरुजी, जिन्होंने ये बेंड टेस्ट को इंक्लूड किया है, जो कि इसके सख्त खिलाफ थे, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया, पता करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, Xiaomi एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है और टेक्निकल गुरुजी बहुत ही बड़े कंट्रोवर्शियल यूट्यूबर हैं, जिनका पहले टेक्निकल सागर के साथ, टेक्निकल रुहेज के साथ झगड़ा पहले हो चुका है। और जैसे कि आप जानते हैं, टेक्निकल गुरुजी तो अपने फेम का बहुत ही गलत इस्तेमाल कभी कभी कर देते हैं, और इस बार भी उन्होंने यही किया है। Xiaomi के साथ उनका एक डील ब्रेक हुआ है, जहां पे Xiaomi ने सरासर फेस टू फेस मना कर दिया है कि वो अपने हैंडसेट्स उन्हें रिव्यू के लिए नहीं देंगे। तो इसी कारणवश टेक्निकल गुरुजी ने किसी और यूट्यूबर से, शायद गिकी रंजित से, ये नोट 7 को लिया है, फिर उन्होंने इसका अनबॉक्सिंग भी किया है और बेंड टेस्ट भी किया है। तो बेंड टेस्ट, टेक्निकल गुरुजी, मैं आपसे ये सीधा सीधा पूछने वाला हूं। मैं आपको बहुत ही पहले से फॉलो करता हूं और आपका एक बहुत ही बड़ा फॉलोइंग बेस है, जहां पे 12 मिलियन लोग आपको फॉलो करते हैं। तो इतना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना चाहिए, जहां आपने 2 साल पहले मना किया था कि बेंड टेस्ट एक सिंपल पब्लिसिटी स्टंट होता है, तो आप अपने बातों से कैसे मुकर गए और आपने बेंड टेस्ट ऐसे क्यों किया? क्या आप अपने ऑडियंस को बता सकते हैं? ये हमें चाहिए जवाब। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप YouTube पे आए और हमें इसका जवाब दें, इस बेंड टेस्ट का कारण क्या था, और बेंड टेस्ट आपने जो पहले बताया था अपने वीडियो में, ये मैं नहीं बता रहा, मुझे पता है कि ये सब वीडियो देखने के बाद मुझ पर एक नेगेटिविटी का पहाड़ गिरने वाला है, लेकिन ये मैं नहीं बता रहा, यकीन मानिए, ये एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। पता करना चाहेंगे कौन बता रहे हैं? ये देखिए दोस्तों, देखिए, कोई भी यूट्यूबर, चाहे वो, मैं खुद अगर ये टेस्ट करूंगा तो वो मैं ऐसा टेस्ट क्यों करूंगा, या कोई भी ऐसा टेस्ट क्यों करता है, तो इसका सिंपल आंसर है, एक पब्लिसिटी स्टंट और अपनी एक वीडियो को वायरल करने के लिए, कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग आके देखें और उनकी ज्यादा से ज्यादा इनकम हो। फोन क्यों बेंड होगा? वो बेंड नहीं होगा, कितना जोर लगाया है तब जाके वो टूटा है, और ऐसे तो कभी फोन टूट जाएगा। इंसान में बहुत ताकत है, बहुत ही नो स्ट्रेंथ होती है, और अगर आप ठान लें, अगर आप ये जान लें कि आपको इसको तोड़ना ही है, आप इसको टेस्ट नहीं कर रहे हैं, यू हैव टू ब्रेक इट, बिकॉज आपको वीडियो में वही दिखाना है कि देखो मैंने जोर लगाया और ये फोन टूट गया, तो इवेंचुअली आप वैसी वीडियो बना लेंगे और फिर वो वीडियो क्या होता है कि वायरल हो जाती है, और उस वीडियो को, चाहे कोई इंसान को फोन पसंद हो या ना हो, टेक पसंद हो या ना हो, ऑलमोस्ट छोटे बड़े बूढ़े सभी टाइप के लोग जो है वो उस वीडियो को देखते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से एंटरटेनमेंट बन जाती है, ना कि टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि आपने देखा, टेक्निकल गुरुजी ने खुद बोला है कि एक सिंपल पब्लिसिटी स्टंट है जो यूट्यूबर्स करते हैं ताकि उनका वीडियोस वायरल जा सके, और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर टेक्निकल गुरुजी, आपका वीडियो वायरल हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, पीस।